कायाकल्प कार्यक्रम के तहत साल 2019-20 में मंडी जिला के 15 स्वास्थ्य संस्थान उत्कृष्ट मानकों पर खरा उतरने के लिए सम्मानित किए गए हैं। इन स्वास्थ्य संस्थानों को अपने यहां बेहतर साफ सफाई व संक्रमण रोकने के लिए किए गए प्रभावी प्रयासों के चलते नगद पुरस्कार से नवाजा गया है। ये जानकारी उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने जिला क्वालिटी इंश्योरेंस समिति के तहत चलाए जा रहे कायाकल्प कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। कायाकल्प कार्यक्रम के तहत साल 2019-20 में सिविल अस्पताल सुंदरनगर करसोक, सरकाघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटोला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्रमण, पंडोल चौंतड़ा, गोपालपुर भद्रबाड़, झुंगी पाली चुकू तुनाग नस्लो और कमांड को सम्मानित किया गया है। संस्थानों को अलग अलग वर्ग में 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रुपए के नकद पुरस्कार मिले हैं। ऋत्विक ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को उत्कृष्टता के मानकों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों को स्वच्छ रखने में मदद मिल रही है। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्ण स्वच्छता का उद्देश्य संस्थानों का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करना, गुणवत्तापूर्ण सेवा मुहैया कराना तथा टीम वर्क को उत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि ये केवल शारीरिक स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत केंद्रों में जैव अपशिष्ट निपटान या प्रोटोकॉल जैसी गतिविधियों को पहल का हिस्सा बनाया गया है। इसके उपरांत स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल बेस्ट के पूर्ण निष्पादन के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला के समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल कचरे के पूर्ण निष्पादन की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन नए स्वास्थ्य संस्थानों में भी बायोमेडिकल कचरे की उचित व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। साथ ही तरल कचरे के निष्पादन की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 बेड से ज्यादा वाले स्वास्थ्य संस्थानों में 6 माह के लिए सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तरल कचरे के ट्रीटमेंट के लिए सभी जरूरी व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, ताकि जिला में स्वास्थ्य संस्थानों के वेस्ट मटेरियल के निष्पादन में कोई कमी न रहे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश ठाकुर ने कायाकल्प योजना बारे विस्तार से जानकारी देते हुए जिला में इस योजना के तहत स्वास्थ्य संस्थानों में किए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धर्म सिंह सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज स्वास्थ्य विभाग की 2 बैठकें यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें कि एक बैठक हमारी बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर हुई है और दूसरी बैठक क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर हुई है। जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट की बात है, वहाँ पर जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, सर्जिकल ग्लव्स हैं, मास्क हैं, इंजेक्शन हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं, उन सब का निपटारे के लिए एक व्यवस्था है, जिसके लिए आज पूरी समीक्षा की गई। जो हमारे नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं वहाँ पर भी हमने डायरेक्शंस दी है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी व्यवस्था वहाँ पर रहे कि बायोमेडिकल वेस्ट पूरी तरीके से उसको मैनेज किया जाए, जिसमें कि लिक्विड वेस्ट में भी शामिल है। वो लिक्विड वेस्ट एसटीपीस का भी कार्य चला हुआ है और हमने आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि लिक्विड वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए सिस्टम बनना है, वो 1 महीने में बन जाएगा। और जो एसटीपीस अलग अलग जगह पर इंस्टॉल होनी है, जहाँ पर कि हमारे 10 बेड से ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर 6 महीने में इंस्टॉल हो जाएगा। जहाँ पर भी नहीं है, जहाँ है वहाँ की समीक्षा की गई, वहाँ पर बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में चल रहा है और सभी अधिकारी इसमें शामिल थे जो इसके मेंबर्स हैं, उनके सामने समीक्षा की। दूसरी बैठक हमारी क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर हुई है, जिसमें कि जो सर्विसेज सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो एक नेशनल पैरामीटर से उन सर्विसेज प्रोवाइड करें सभी लोगों को, और उसके लिए जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उसको एक सर्टिफिकेशन हो जाए उनकी कि इस पर्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन की ये सर्टिफिकेशन है। उससे एक स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी भी अच्छी रहती है, लोगों में अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और हर्ष की बात है कि पिछले साल हमारी 15 इंस्टीट्यूशंस जिला मंडी की हैं जो कि सर्टिफाई हुई है, जिनको अवार्ड मिला है सर्टिफिकेट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जो कि पिछले सालों के मुकाबले, पिछले साल में 6 थी, उसके बाद में 2 साल पहले 9 थी और पिछले साल 15 थी। तो धीरे धीरे से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमारे इस क्वालिटी पैरामीटर पे खड़े उतर रहे हैं और उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जो
कमियां हैं वो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी उससे मोटिवेशन लेंगे कि अपनी अपनी कमियां दूर करके वो भी स्ट्राइव करेंगे कि हमारा भी एक अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेशन मिल जाए और उस सर्टिफिकेशन के साथ वो पूरा इंस्टीट्यूशन अच्छे दर्जे की सर्विसेज, हाई क्वालिटी सर्विसेज एज पर नेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है।